कल्चर की पब्लिक क्या बोलती आप सभी लोगों का इस तरह गेम टूर्नामेंट नंबर 9 में आपका स्वागत है। आज टूर्नामेंट नंबर 9 का डे 2 है। वीकेंडी में दो बंदे जिनका गेम डाउनलोड नहीं था या अपलोड नहीं था, उसकी वजह से उनको मैप ने ऑटोमेटिकली किक कर दिया। अब किस टीम के बंदे अभी कुछ देर में पता चल जाएगा, अभी लोगों का मैसेज आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इसी के साथ में शुरू करते हैं आज का टूर्नामेंट नंबर 9 डे 2 वीकेंड। इसी के साथ में प्लेन ने उड़ान भर ली है। टोटल कितनी टीम्स हैं? टोटल 18 टीम्स हैं जो मैच में आ चुकी हैं। एक्चुअली 69 थे। एक बंदे का वो डाउनलोड कर रहा था अभी लास्ट में, तो उसके लिए इतना देर वेट नहीं कर सकते थे हम लोग, क्योंकि अगर इतना देर वेट करते तो पब्लिक ऑलरेडी 10:40 पर मैच शुरू किया है। 10:30 का टाइम है। वैसे इसमें सबकी गलती है, एक ही करके सारे बंदे डिले करते रहते हैं, ऐसा ना करें तो वेस्ट है। ओके, इस बार में लगभग सारी टीम्स कूद चुकी हैं और देखना है कि कौन सी टीम कहाँ पर जा रही है। और ग्राउंड 15 टीम पहुँच चुकी है। शुरू करते हैं यहाँ से। ये टीम है अचानक तैयार है, ये टीम में अचानक है ना, और उनके चारों बंदे आज अक्सर उनकी टीम पे सारे बोलते नहीं आ पाते। अच्छा खेलते हैं बट अभी तक इनको चिकन डिनर नसीब नहीं है। कर लेंगे, कोशिश जारी है। इसी के साथ में टीम एनमिटी का एक बंदा 100 करके बंदा आया था, बट उसका मैप डाउनलोड नहीं था तो वो चला गया बाहर। कोई बात नहीं, कल मेरा मार्क कर लिया उनके साथ में। ओके, और जोन बन गया है साउथ में, ऊपर की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ। ये है किंग कोविड, ये टीम भी कल बहुत अच्छा खेली थी। टीम एच ने को देख लेते एक मरतबा, हमारी होम ग्राउंड टीम एच ने। चलिए कि आसपास में कोई दूसरे बंदे नहीं है, ये लोग आए हैं यहाँ पर, फोर्ट है यहाँ पर, अभी फिलहाल तो संभाल रहे। टीम सेवेज का एक बंदा की वजह से थोड़ा डिले हुआ था, वो बंदे को ऑटोमेटिकली गेम से बाहर चला गया था। चलो छोड़ते हैं। टीम सेवेज के बिल्कुल बगल में एक और टीम है, टीम बैड नहीं है, कि इनका नाम ना था, वैसे नाम से नहीं। टीम एम्पर वॉल जिसने कल का चिकन डिनर मारा था, और ये टीम भी कभी भी टीम सेवेज के साथ में बैठ हो सकती है। और देखना आप यहाँ से कौन सी एक टीम यहाँ से बच के निकलती है। दोनों ही बहुत ही खतरनाक टीम, और दोनों टीम की लड़ाई कभी हो सकता है सबसे। ओके, बोलना था, सबसे पहले इन्हीं की लड़ाई होगी और हो चुकी है। यहाँ पर गोलियाँ चलना शुरू हो गई, शायान को डैमेज दे दिया इन लोगों ने। नहीं, सबसे पहले यहाँ पर टीम रॉक, यहाँ पर तो नॉकआउट कर दिया एसवीजी रोशन को, और यहाँ पर भी लड़ाई हो रही इनका टीम मेंबर देख लेते हैं, टीम 20। यहाँ पर भी इन्होंने इब्बो को नॉकआउट किया। यहाँ पर तीन टीम दिख रही, टीम 10 भी है यहाँ पर। ओके, ये रहा इब्बो, टीम डबल डॉलर के थोड़ा सा स्प्रे में कमी मार सकते थे इजीली। इब्बो को इन्होंने रिवाइव किया कि नहीं अभी तक? ओके, इब्बो रिवाइव हो चुके हैं, बट उनके पास शायद हेल्थ किट नहीं है। एक और जगह पर लड़ाई हो गई, रोकन्नो ने फिर सलमान ने चेनी को नॉकआउट कर दिया। एक लड़ाई और हो रही है टीम का नाम क्या,
तीन बंदों को ख़त्म कर दिया, दो बंदों को ख़त्म कर दिया टोटली। कौन सी टीम है यहाँ पर? ओके, ये टीम ये वाली थी, टीम ख़त्म स्क्वाड थी। टीम ख़त्म स्क्वाड के सारे बंदे साथ मर चुके हैं। हाँ, ये रही टीम 22 ख़त्म स्क्वाड, और इसी के साथ में टीम अननोन है टीम नंबर 13, यानी कि डबल डोर को भी ख़त्म कर दिया, उनको हम फिल्मा नहीं पाए। चलो हम लोग वापस चलते हैं जहाँ पर एक इनकी लड़ाई हो रही थी, इस वे सेवेज वाली, ये रहे इनकी भिड़ंत अभी तक कंटिन्यू है टीम सेवेज की, टीम एम्पोर लवर के साथ में। इन्होंने जस्ट सायन को अभी नॉकआउट किया, दो फाइट मिस हो गई हम लोगों से, एक साथ में एक से ज़्यादा जगह पे फाइट होती है तो थोड़ा सा मिस हो जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। सब लोग होशियार हैं, पढ़े लिखे लोग। टीम सेवेज भी पूछ नहीं कर रही है, पोजीशन लेकर बैठी है, मौका मिलने पे ही फायर करेंगे, इनको भी पता है इनको रवा टीम है तो इतना इजीली तो कर नहीं सकते। एंड्स की लड़ाई हो गई है, एंड्स खेल रहे थे इसके अंदर एक टीम एपिक्स में, यहाँ पे इन्हें जस्ट किसी को, अच्छा एंड्स हल्क नॉकआउट हुए हैं, इनकी सामने टीम नंबर 9 है। टीम नंबर 9 जो है वो किसकी टीम है? टीसीएस की है। टीम टीसीएस का एक बंदा भी नॉकआउट पड़ा है, और टीम 9 का भी एक बंदा नॉकआउट, खड़ा हो गए हैं अपने घुटनों पर, जो गिर गए थे वो खड़े हो गए, और एंसल को पता है कि यहाँ पे बंदे हैं, बट बाजू में से एंड्स बाबा ने उनको किल कर दिया। एंड्स बाबा नीचे है क्या? ओके, हाँ एंड्स बाबा यहाँ पर थे, इन्होंने उनको किल कर दिया, खिजर को नॉकआउट कर दिया। इसी के साथ में इनकी टीम का एक और बंदा फिर से नॉकआउट हो गया है, टीआर वॉरियर को इन लोगों ने खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि टीम ब्रदर्स पावर वर्सेस टीसीएस, दोनों बढ़िया टीम, दोनों में खतरनाक खतरनाक प्लेयर। कोजी का थोड़ा सा घूम कराने की कोशिश, ये तो पबजी की खासियत है, जगह बदल बदल के मारने वाले हमेशा सक्सेस होते हैं, एक जगह खड़े रह के मार। इसके साथ सेवेज क्रम की फिर से लड़ाई हो गई टीम बैट के साथ में, इनको नॉकआउट कर दिया है सेवेज ने, इनके बंदे भागते हुए आए इनको बचाने के लिए और बचा लेंगे। इसी के साथ में एक और टीम इनके पीछे की तरफ से निकल रही है, ये टीम है टीम नंबर 16। अच्छा, इनको इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा शायद, हाँ नहीं है, जाने दो। ये लोग जो घरों पे थे वहाँ से निकल कर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, बट ओके सेवी टीम बेट पीछे की तरफ आ चुकी है, इनको ये हो पाई ना क्या? ये बंदे पीछे रुक गए कि इन केस कभी आप लोग आगे जाओ, मैं पीछे से देखता हूँ। रेड जोन स्टार्ट हो गया है, एंड्स की लड़ाई फिर से हो गई है। अरे यार, एंड्स के बंदे इतनी जगह बैठ गए हैं इनके साथ में, यहाँ पे किसको नॉकआउट किया इन्होंने? इनके के बंदे के दो बंदों को नॉकआउट और एक बंदे को पूरी पूरा किल कर दिया है टीम ब्रदर्स पावर ने। अब देखते हैं टीम कोजिटा अकेले हैं, देखते हैं क्या कर पाते, खिजर को बचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट एंड्स हल्क ने उनको बचाने नहीं दिया, और इसी के साथ में टीम टीसीएस को उन्होंने आज फिर से 15वीं पोजीशन पर ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर टीम रॉक की लड़ाई हो गई है किसी के साथ में, टीम रॉक को नॉकआउट, टीम अननोन ने नॉकआउट कर दिया किसी का। ओके, यहाँ पे किसी के साथ में लड़ाई हुई थी, मेरे ख्याल से ये थे टीम ओम के बंदे, और पूरी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया। देखते हैं टीम नंबर 8 9 सॉरी ये वाली टीम के, ओके टीम ओम को भी ख़त्म कर दिया इसके साथ। टीम टीसीएस, टीम ओम, टीम डबल डॉलर और टीम
ख़त्म हो स्क्वाड, चार टीम मैच से पूरी तरीके से बाहर जा चुकी है। ग्राउंड में 14 टीम से, टीम ईगल सामी की लड़ाई हो गई है। ईगल सामी रहे यहाँ पे, ईगल सामी ने एक किल अपना कंप्लीट किया है। किसको मारा है? टीम नंबर 11 है बाजू में, टीम नंबर 11 जो है वो है किंग कोविड की, और किंग कोविड भी बढ़िया टीम है, देखते हैं इनकी लड़ाई कैसी होती है। यहाँ पर टीम नंबर 11 थी यहाँ पे। ओके एक बंदे को किल कर दिया है, उनका बाकी सारे बंदे पता नहीं कहाँ पर है। ओके ये लोग बिल्कुल अलग अलग हैं। तो फाइनली अमन जयकर को पूरी तरीके से किल करके अपना एक किल के साथ में बढ़त करते हुए टीम रश, चलो एक मतलब बाकी बची हुई टीम्स पर नज़र मारते हैं। टीम फ्यूरी के आज दो बंदे ही गेम में एंटर हो पाए। मेरे ख्याल से इनका ही एक बंदा है जिनका मैप अपलोड नहीं होने की वजह से वो बाहर गया, क्योंकि मैंने जब मैच शुरू करने से पहले देखा था इनका बंदा, चारों बंदे स्लॉट पर बैठे हुए थे। ओके तो जोन भी आ रहा है, जोन में सबसे लास्ट जोन में बंदी हुई टीम ये है, टीम सबसे पीछे की तरफ से जोन में आ रही है टीम 23। इनके दो बंदे अलग अलग आ रहे हैं क्या? ये चारों तीनों गाड़ी पे अलग अलग आ रहे हैं शायद, वेपन यहाँ पर है और इनको यहाँ पर है। ओके अलग अलग आ रहे हैं दोनों के दोनों, टीम नंबर 11 टीम कोविड, टीम नंबर 17 टीम बॉट, देखते हैं आज कौन सी टीम चिकन डिनर मारती है। टीम M4 ने कल मारा था, अगर वो आज भी मार देती है तो उनकी टूर्नामेंट जीतने की पूरी पूरी चांसेस हो जाएंगे। टीम 19 BR टीम लेके घूम रही है, इसी के साथ में टीम रॉक की फिर से किसी के साथ लड़ाई हो रही है, फिर से देख लेते हैं किसको ठोक रहे हैं लोग। टीम रॉक का ही नाम आया था, इनके साथ में कोई है ही नहीं यहाँ पर। कौन सी टीम थी भाई, एक बार टीम एचएन को देख लें, ये रही अपनी टीम एचएन है। टीम एचएन ने 0 किल के साथ में, अच्छा सॉरी ये एंड्स थी, मैंने गलती से गलत नाम लिख लिया था। और यार एंड्स में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि दो एंड्स के बंदे दो जगह पर है ना, एंड्स बाबा, हाँ यही टीम है। एंड्स बाबा की टीम की लड़ाई अचानक भयानक के साथ में हो गई है, टीम प्रोग्रेस पावर अचानक भयानक के साथ में लड़ रही है। ये रहे अचानक भयानक के दो बंदे, ओहो एंड्स बाबा ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया रवि बेलकर को। अब उनके दो बंदे अपने पैरों पर हैं और एक बंदा नॉकआउट है। एपेक्स जो घुस रहे हैं अंदर और जल्दी ही इनके ऊपर पूरा स्क्वाड पुश करने की फिराक। बहुत बढ़िया पैरों का कमाल दिखाया था एंड बाबा ने, बट उनका जो दूसरा बंदा है कौन सा था उसका नाम, साइलेंट हिटर्स ने उनको नॉकआउट कर दिया, बट पीछे से एपेक्स जो ने उनको कवर देते हुए उनको पूरी तरह से किल कर दिया। और इसी के साथ में टीम अचानक भयानक का गेम से अलविदा। और अब जो बची टीम्स, ये हाइड्रा जो के दो ही बंदे आज आ पाएँ, इनका तीसरा बंदा आया था बट तीसरा बंदा जो है वो गेम अपलोड ना होने की वजह से, डाउनलोड ना होने की वजह से गेम से बाहर जाना पड़ा। ग्रोज गेमिंग की लड़ाई हुई आज, ग्रोज गेमिंग की फर्स्ट लड़ाई हो रही है आज, ग्रोज गेमिंग ग्रोज अच्छा खेलती है। ईगल सामी की टीम से शायद लड़ाई हुई उनकी, देखते हैं। ईगल सामी को नॉकआउट कर दिया, रिवाइव दे रहे हैं उनके बंदे, रिवाइव भी दे चुका है हमारे पहुँचने से पहले, रिवाइव हो चुके हैं और उनके सामने यही रही ग्रोज गेमिंग। ग्रोज गेमिंग के चारों बंदे गेम में हैं, अब देखना यह है कि इन दोनों की भिड़ंत में कौन बाजी मार के जाता है। चलो चलो कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो। यहीं बगल में से टीम फ्लो भी बाजू में से जा रही है, टीम फ्लो भी गोलियों की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुड़ रही है शायद। ओहो लड़ने के मोड़ में पूरी तरीके से टीम फ्लो, और इन्होंने पुश कर दिया, फाइनली पुश कर दिया टीम फ्लो ने। कौन सी टीम है, नहीं सॉरी टीम फ्लो के ही बंदे ये पहले से यहाँ पे। अच्छा वो लोग यहाँ से ग्रोज गेमिंग पे
वो करेंगे। इसी के साथ में सेवेज की फिर से सेवेज को नॉकआउट कर दिया है सायन एसके ने शायद, जैसे इनकी लड़ाई शुरू से चल रही है और अभी तक चली गई है। तो अभी तक एक भी टीम के बंदे को पूरी तरीके से फाइनल नहीं कर पाए, दोनों को चार चार बंदे अभी तक जीता है, बट अब शायद कुछ चेंजेस होगा। ओके टीम सेवेज के तीन बंदे को प्रॉपर और एक बंदा पूरी तरीके से किल, और इनके शायद टीम एंड्स के एक बंदा को नंबर टीम एंड का लगेगा, इनका एक बंदा कहीं और है, इनका एक बंदा कहां पर है, ये रहा बंदा इनका सेवेज रोशन जो है थोड़ी सी दूरी पर, और इनके तीनों बंदे किल हो गए और उन्होंने अपने चारों के चारों बंदों को बचा लिया है और टीम एम्पर ओवर के सारों बंदे अभी तक पूरी तरीके से सुरक्षित। टीम सेवेज यहाँ पर कैंपिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है बढ़िया है, जिसकी भी कैंपिंग करना पूरी तरीके से खा जाना, उसको छोड़ना नहीं, अगर छोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं। देखते हैं सेवेज रोशन का कुछ करते बिगाड़ पाते हैं या प्लेसमेंट पॉइंट के लिए थोड़ा देर वेट करेंगे। इसी के साथ टीम 13 टीम्स अभी भी गेम में हैं, टीमें चाहिए आज भी एज टू एज खेल रही है। मेचने के तीन बंदे एक रूम में क्या कर रहे हैं, आज भी कैंपिंग कर रहे हैं। टीम भिवंडी के दो बंदे खत्म हो चुके हैं पिछली लड़ाई में, बट इन्होंने चार बंदों को मारने में कामयाब रहे और इनके टीम के चार हैं और ये अभी तक टॉप 13 तक पहुंच चुके हैं। देखना है कल के मैच में, तो ये ज़्यादा किल तो इनकी ज़्यादा थी बट टॉप पोजिशन नहीं आ पाए थे, देखना है कि आज क्या कर पाते हैं। और टीम अननोन, टीम रॉक जो है टीम एचएन के करीब में है, हो सकता है इनकी लड़ाई हो बाकी कोई दूसरी टीम में। ये टीम 20 का जो सेवेज, ओके यही वो टीम है, ओके सेवेज रोशन को ढूंढ रहे हैं ये लोग पूरी तरीके से। नहीं ये लोग निकल जा रहे, जोन की तरफ निकलना ज़रूरी था फिलहाल, क्योंकि ये जोन शुरू होने में 8 सेकंड बचे हुए और ये दूसरा जोन है, थोड़ा सा ज़्यादा कट करेगा पहले जोन के बनस्पत, जोन के एज पर आकर इन लोगों ने अपने आप को रोक लिया है। इन्हीं के बिल्कुल पीछे सेवेज भाग रहे हैं खुले में, अगर उन्होंने देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी सेवेज रोशन की, और सेवेज रोशन चाहते सोच रहे हैं कि आज बदला लेकर ही जाएंगे इन्हीं के पीछे। ठीक है इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आज इसके ऊपर बनाएंगे हम। ओके पीछे की तरफ मुड़ गए, टीम एच एन अब दूसरी तरफ जा रही है यहाँ से निकल कर, टीम एच एन जो घुस रही है यहाँ पर, टीम 14 है टीम एंड्स वाली, कल इन्होंने ही टीम एच एन को ख़त्म किया था, अगर आज भी ये लोग इनके बिल्कुल करीब में से निकल गए। ओके एक और टीम, ये रही एक और टीम, सारी टीम्स भी थोड़ा सा सेफ खेलना चाहती, सारी के सारी टीम्स लगभग हर टीम्स को जिनकी जिसके ऊपर भी नज़र करो सब टीम सेफ खेल रही हैं। टीम एच एन को ही सिर्फ थोड़ा सा घूमने का शौक चढ़ा है लॉकडाउन में, हाई लॉकडाउन है घर के अंदर जाऊँ। टीम एच एन सोच रही है कि अब हम लड़के ही रहेंगे, बोर हो गए अभी तक। चलो टीम फ्यूरी को वापस देख लेते एक मरतबा, बहुत देर से किल फिट शाम थे। ओहो सामने ही ग्रोस गेमिंग वाले बंदे हैं और बहुत ज़बरदस्त ड्रॉप दिया इनको, जोन जो है अगले 38 सेकंड में थर्ड जोन भी शुरू हो जाएगा, तो थर्ड जोन जो है वो थोड़ा ज़्यादा और नुकसान देगा, तो जो दूर की टीम से उनको अभी फ़िलहाल निकलना बहुत ज़रूरी है। ये कौन सी टीम से, आर के रेमबो का जो बिना नाम वाला बंदा है वो यहाँ पर ऑफलाइन चला गया था,
इसका जो है कोई नाम नहीं है, ये बिना नाम वाला बंदा, आप खुद देख सकते हैं, ये देखो टीम नंबर 18 में बिना नाम वाला बंदा ये जोन से मर रहा है। इनका अकेला बंदा अभी फ़िलहाल जो आर के रैम्बो है, आज पूरी की पूरी उसके हाथों में है कमान आज की मैच की। देखते हैं बेचारा आर के रैम्बो क्या साबित कर पाते हैं अपने आप को और कितनी किल कर पाते हैं। टीम किल तो 4 जिसमें से इनके 0 हैं अभी तक। देखते हैं लास्ट के जोन में अगर बच गए तो एक आध के लिए भी निकाल ही पाएंगे। और ये जहाँ पर रुके हैं इनके बिल्कुल सामने की तरफ, यहाँ पर टीम एच में है तो यहाँ पर रुकना तो खतरे से खाली नहीं है, बट हो सकता है ये देखो शायद टीम एच को पता चल गया कि यहाँ पर बंदे प्लेयर जोन से फाइनली बिना नाम वाला शख्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। और ये जो यहाँ पर जा रहे हैं इनके बिल्कुल पीछे की तरफ मी नाइट मेयर्स ने रेलेटर यानी कि टीम नंबर 8 के एक बंदे को मौली से ख़त्म किया और हाइड्रा जोजो को जो कि किंग कोविड ही थी, किंग कोविड ने आज फिर से हाइड्रा जोजो को ख़त्म कर दिया। हाइड्रा जोजो को, हाइड्रा जोजो की जो टीम है उनको यार खेलने का कोई मौका ही नहीं देता, बहुत बढ़िया टीम है। उनका जो एक बंदा था अश्व थामा, आज वो नहीं आ पाया मैच में, वो आता तो बहुत ज़बरदस्त हर मरतबा पहला किल वही करता था इनकी टीम्स का। चलो बढ़िया है, देखते हैं आर के रैम्बो टीम एच एन ए के बिल्कुल करीब में, हो सकता है एच एन ए को नुकसान भी पहुंचा दे एक दो विकेट का, और थोड़ा बढ़िया खेलो तो पूरी विकेट। चलो बढ़िया है, देखते हैं इसके साथ में क्या कर पाते हैं, कौन क्या कर पाता है। ये देखो सारी टीम जोन के बाहर एक्सेप्ट ई एक्स सी वाला, आपने थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत है सबको पता है, टीम एम फोर लवर, जबकि इनके पीछे टीम सेवेज थी। ओके टीम सेवेज को तो इन्होंने पूरी तरह से निपटा दिया, टीम सेवेज को निपटा दिया था जिनके एक बंदे भाग गए थे, ये रहे सेवेज रोशन। ये जोन से बिल्कुल दूर वहीं तक रुके थे अभी तक, और ये अकेले बंदे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इनके लिए 3 वर्ड, मोटिवेशन वर्ड, ड्रीम इट, बिलीव इट, अचीव इट। ख्वाब देखो, उस पर भरोसा करो और उसको पालो, और शायद सेवेज वही करेंगे। टीम अफजल ने तुरंत अभी जस्ट किसी का किल किया है, किल अफजल के 4 किल हैं तक गेम में, और अफजल को थोड़ा सा डैमेज दिया जिस सामने टीम ने। सामने कौन सा टीम से लगता है घुस कर अभी किसी को ख़त्म किया है कोई टीम को, यहाँ पर ग्रैंड डब्बे पड़े होंगे। किल फील्ड में मैंने नाम नहीं पढ़वाया और इन्होंने चारों को ख़त्म कर दिया, तो जा रहे नहीं था बिल्कुल। ओके जोन भी बिल्कुल करीब में है और जोन शुरू हो चुका है। ईगल सामी हेल डाउन है, देखते हैं अपना हिल, ओके हिल कर लेना बच जाएंगे, और गाड़ी भी है इनके पास, गाड़ी का कलर बेस्ट इनका मस्त लगा। जोन बिल्कुल करीब था इनके, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। अब होगा यहाँ पर जो मचाड़ना, उसको देखकर आप लोगों को बता पाना बहुत ही मुश्किल है। ये देखो ईगल सामने टीम एच एन के पीछे किस तरह से भागे, इनको पता है यहाँ से कोई गाड़ी लेके निकला आ गया। टीम एच एन इस जोन में फिर से एक जगह पकड़ने की तैयारी में, ये रही इन्होंने जगह पकड़ ली फाइनल, ये वही जगह जहाँ पर पिछली मरतबा टीम एच एन यहाँ से लड़कर फाइनली टॉप 1 तक पहुँच पाई थी। और ऑलरेडी यहाँ पर एक बंदा जो इन्हीं के साथ में चल रहा था पहले से, उसने भी अपनी जगह अपने आप को कायम कर लिया अपनी जगह पे। और अब देखना ये है, रॉक तरन को एक बंदे ने नॉकआउट किया है, रॉक तरन को नॉकआउट किया है, ये रहा रॉक तरन जोन के। ओके इनकी टीम्स की खासियत देखो, रिवाइव करना ना इनकी पहले, अच्छा फ्लो फ्लो टीम फ्लो के बंदे ने इनको नॉकआउट किया है, और अब इनकी बढ़त कभी भी हो सकती है। और ये शुरू हो गई, शुरू हो गई ग्रोस गेमिंग की सेवर रोशन के साथ में हो गई है। सेवर रोशन अकेले बंदे थे जो आ रहे थे, तो ये टीम में खत्म हो गया बिल्कुल ही। ब्रदर्स पॉइंट में लड़ाई चल रही है, उनको हम उसको बताएं कि यहाँ से एक बार तो लड़ाई ख़त्म हो जाती है। और सॉरी ये टीम एच एन ए पे कहाँ से क्लिक हो गया,
लड़ाई किसी चल रही थी। अबे टीम रोक कहाँ पे, टीम रोक के दो बंदों को ड्रॉप कराने के लिए खड़े हैं और इसके साथ में रोकने को भी नॉकआउट करके फिर उसे खत्म कर दिया टीम फ्लो ने। टीम फ्लो के कितने बंदे बचे देखना पड़ेगा। टीम फ्लो ने अपना एक बंदा खोया, दूसरा नॉकआउट है और इन्होंने इसी के साथ में चार बंदे यानी कि टीम रॉक को ख़त्म कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब अपने को देखना है टीम अफजल की टीम का कहीं पर लड़ाई चल रहा था। ब्रदर्स पावर ये रही ब्रदर्स पावर, इसने इसके ऊपर किसी ने मॉडी डाला या इसने किसी ने मॉडी डाला। ओके यहाँ पर सामने बिल्कुल एक और टीम है, यहाँ पर सामने एक टीम है, यहाँ पर कई टीम्स हैं, इन सबको दिखाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है आप लोगों को। और टीम 14 के साथ में बिल्कुल यहाँ पर टीम 23 के निको और मेगन है। नॉकआउट कर दिया एंड हल्क ने अजीज को नॉकआउट कर दिया और इसी के साथ में टीम एम फॉर लवर को पूरी तरह से खत्म कर दिया ब्रदर्स पावर ने। और उनका एक बंदा जो नॉकआउट है अफजल, उसको शायद बचा भी लेंगे। जोन आ रहा है और एपिक सुजू की बहुत बड़ी गलती, उनका बंदा उनके पीछे नॉकआउट करके चल रहा था और उन्होंने उनको बचाने की कोशिश नहीं की, बहुत बड़ी बहुत, और बचा भी नहीं रहे, पता नहीं ऐसे क्यों किया। जोन आ गया था शायद, जोन तो अपने ओके जोन चल रहा हो सकता है, उनको पता था नहीं बचा पाएंगे इसलिए खुद ब खुद निकल गया। और वो 10 सेकंड काफ़ी थे मेरे ख्याल से। अविनाश को टीम एच ने एक बंदे को नॉकआउट कर दिया है। इनकी लड़ाई किससे हुई थी मैंने नोटिस नहीं किया। यहाँ पर तो इसे टीम नंबर 19 है, यहाँ पर 19 जो है वो टीम रश है, टीम रश के सारे बंदे बढ़िया हैं। मैचर के एक बंदे को इन्होंने नॉकआउट किया होगा पक्का। और अब शायद रश करने की तैयारी में, टीम रश है तो रश भी कर सकती है। आर के रेम्बो देखो अभी तक अपने आपको कितना संभाल कर लिया है, बहुत बढ़िया। आठवीं पोजिशन में रही जो कि गॉस प्ले जोन से मर गए, गॉस के बंदे थे। निकू ने जस्ट एक बंदे को नॉकआउट किया, नसीम ने एक बंदे को नॉकआउट किया, ये रहे यहाँ पे ओके टीम यहाँ के बंदे को नॉकआउट कर रहे हैं सब। फ्लो ने एंड्स हल्क जो थे वो थे, एंड्स हल्क अफजल की टीम के बंदे थे। टोटल 60 टीम बची है, मेरे को थोड़ा सा चार्ट देखना तकलीफ हो रही है, पर मैं यहाँ से देख रहे हैं टीम फ्लो अभी जिसके इसको नॉकआउट की देखते हैं क्या की। अश्विन एम जी आर को टीम ईगल सामी ने ख़त्म कर दिया। अश्विन एम जी आर ने यहाँ पे नॉकआउट किया और से ख़त्म कर दिया। रीशु को भी नॉकआउट कर दिया। अविनाश अकेले बचे हैं, देखते हैं अविनाश क्या करता है। अविनाश को भी ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से, इसके साथ में टीम एच एन एफ पोजिशन नंबर 6 पे विदाउट किल के साथ में ख़त्म हो गई। और अब देखना है फ्यूरी जो है नॉकआउट है, उनका बंदा उनको बचाने की कोशिश कर रहा और बचा लेगा इजीली। और यहाँ देखना टीम मैगन बैटमैन की डेथ हो चुकी है फिलहाल, निकू है अभी तक जिंदा। ग्रोस गेमिंग के बंदे भी अपने चारों के चारों बंदे 3 किल के साथ में पोजीशन पे हैं और उन्होंने जो फ्लो को शायद उन्होंने नॉकआउट किया था और देखते हैं कि शायद वहीं पे नज़र जमाए हुए, जब भी वो निकलेंगे तो उनको किल भी कर देंगे इनसे फ्लो के बंदे, किल भी दिख जाएगा। और ये रहे इनके दो बंदे, इनके सारे के सारे बंदे उनको देख रहे हैं, उनको पता है जोन वहाँ से तो वो सब लोग वहीं से आएंगे। फाइनली प्ले जोन से फ्लो मर गए और उनका दूसरा बंदा ये सुन के किल कर दिया, दूसरे बंदे को सॉरी निंजा ने किल कर दिया, निंजा ने इनकी टीम ने किल की। इसके साथ में टीम 19 के जो रश के बंदे हैं 5 किल के साथ में अभी तक, चारों के चारों बंदे जिंदा हैं उनके। और निकू भी अभी तक अपने आप को संभाल के रखे हैं, निकू बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। निकू भी टॉप 4 तक अपने आपको ले आए, देखना ही है कि टॉप 3 तक ले पाते कि नहीं पाते। टीम 18 का जो बंदा है वो भी जिंदा है अभी तक शायद, ओके अकेला बंदा है जिंदा है इनकी बिल्कुल टीम 19 के पीछे। और उनके बंदे यहाँ पर आ चुके हैं, इनको उसकी पोजीशन नहीं पता शायद, बट अगर आगे बढ़ते हैं H2H खेल रहे हैं, सारी टीम से H2H खेलेगी आज, 4 टीम से देखना है कौन सी टीम पहले निपटती है। टॉप 3 में आने वाली आज की टीम गेस करो भाई लोग,
आर के रेनबो को शायद ख़तरा। अगर इसके आहट अगर टीम 19 को मिल जाती है तो ये लोग बहुत इजी तरीके से ओके। अब शायद आर के रेनबो को चांस है एक दो एक आध किल करने का, ये रहा इसी के साथ में टीम क्रॉस गेमिंग भी बाजू में आ गई है। 9 सेकंड में जोन भी छोड़ देगा, सेकंड लास्ट जोन। इस जोन में जो भी रुकेगा बहुत जल्दी किल हो जाएगा। ईगल सामी ने टीम निकू के ऊपर रश कर दिया है और आर के रेम्बो को फाइनली नाइट्स में हमने ख़त्म कर दिया क्रॉस गेमिंग के। तो अब टॉप 4 में रह गए M4 लवर्स आज की टीम, बहुत बढ़िया। आज के प्लेसमेंट पॉइंट से उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये रहे, बहुत बढ़िया, निकू ने एक बंदे को नॉकआउट किया और दोनों ने मेगन और निकू ने मिलकर दो इन दोनों बंदे को पूरी तरीके से किल कर दिया। बहुत बढ़िया था, इसी बंदे की सेव के साथ में दो जमी की लड़ाई निकू अच्छे में। और यहाँ पर आराम से वेट कर सकते हैं थोड़ी देर तक। मैगन को फाइनली ईगल सामी ने प्रो कर दिया, निकू को भी ईगल सामी ने किल कर दिया, अकेले जाकर दोनों बंदे को किल कर दिया। और इसी के साथ में टॉप 3 पे टीम HNN मिटी आ गई और दो टीम रश कैडी ने गलती से अपने ऊपर ही मॉलो फेंक दिया था मॉलेटिव। ग्रोस गेमिंग के 4 बंदे जिंदा हैं और टीम रश के 2 बंदे जिंदा हैं, तो इससे चांस तो ये लगता है कि अभी इजीली टीम रस का टीम ग्रोस गेमिंग का ज़्यादा चांस है जीतने का। ग्रोस गेमिंग मतलब टीम गॉड से, ठीक है, मैं बार बार उनको नाम बोल रहा हूँ। सिर्फ थ्रोवेल से ही लड़ाई चल रही है रश के डी आगे की तरफ पोजीशन का अंदाज़ा लगाते हुए। अगर उनकी टीम को पता चल गया कि ये बंदे अलग अलग हैं, ये लोग तुरंत रश करेंगे और उनकी टीम के एक बंदे को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। जोन ने अपना काम शुरू किया और इसी के साथ में देखना है अब फाइनल लड़ाई। ये रहा रश के डी, रश के डी के ऊपर रश कर दिया इन्होंने और इनको अभी पता नहीं कर रहा है यहाँ पे छुपे हुए। ओके, ईगल सामी भी नज़दीक आ गए। ये रहे दोनों को ख़त्म कर दिया और आज के जो विजेता है टीम गॉड्स। सेकंड नंबर पे आई है टीम रस, थर्ड नंबर पे आई है टीम HNN, फोर्थ पे टीम M4 लवर जो कि कल की विनर टीम थी। चलो, थैंक यू वेरी मच।